Summer, Operation Midnight Suns, Video Testman, MH-004, Hellstorm Diamond. जहाँ पर हेलस्टॉर्म अपने वीडियो टेस्टमेंट में कुछ नहीं कहता। द हॉलो हेडक्वार्टर ऑफ आर्मर, जहाँ पर एक एजेंट कहती है, डॉक्टर मॉर्बियस, आपने मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, प्लीज़ वापस आइए। और आगे बताती है डायरेक्टर लिटर स्काई, हमने मिडनाइट सन से कांटेक्ट खो दिया है इससे पहले कि वो हमें लोकेशन दे पाते, और हम बिना लोकेशन के टेलीपोर्टेशन लॉक नहीं कर सकते इससे पहले कि ऑर्बिटल न्यूक्लियर स्ट्राइक हो टाइनो पर। क्या मैं काउंटडाउन अबॉर्ट कर दूं? तब डायरेक्टर लिटिल स्काई कहते हैं, नहीं, अगर ये एनबोर ज़ॉम्बी प्लग उस आइसलैंड से बाहर आ गया तो वो पूरी दुनिया में कुछ ही दिनों में फैल जाएगा, और मॉर्बियस और बाकी सन्स अब बड़े बच्चे बन चुके हैं और वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। उन्हें पता है कि उन्होंने किस लिए इस मिशन को ज्वाइन किया था, और उन्हें ये भी पता है कि वो फेल हो गए तो वो एक मॉन्स्टर की तरह नहीं, एक हीरो की तरह याद किए जाएंगे। टैलोन का प्लांटेशन टाइनो, 13.54 मिनट्स न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए, जहाँ पर नाइट शिफ्ट जॉम्बी बनकर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, जिस पर जेन, जो कि अब सर्वेंट बन चुकी थी डोरमामू की, वो कहती है, नाइट शिफ्ट, अब तुम सर्व करोगे ड्रेड डोरमामू के लिए, जिसने तुम्हें रिबॉर्न करके नई पावर दी है, और मिडनाइट सन्स को दूर रखो जब तक मैं कंट्रोल सीज ना कर लूँ नेक्रोटिक स्टॉर्म का, जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है, ताकि हम स्वागत कर सके इस रिले में आने के लिए लॉर्ड ऑफ द डार्क डायमेंशन का। तब डॉक्टर मिचेल मॉर्बियस हेलस्टॉर्म से कहता है, हेलस्टॉर्म, मुझे पता है हमारे बीच बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन आखिर में तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। तब हेलस्टॉर्म कहता है, इतनी जल्दी निराश होकर मरने की तैयारी मत करो डॉक्टर, मेरे पास अब भी प्लान है जिससे हम जजमेंट डे तक जिंदा रह सकते हैं। जॉम्बी नाइट शिफ्ट पर गोलियां डालते हुए द हुड कहता है, ब्लैक टैलोन ने कन्वेंशनल वेपन्स छुपा रखे हैं यहाँ आसपास, और पावर्स मिलने से पहले मैं भी एक छटा हुआ बदमाश था। तब मिचेल मॉर्बियस कहता है, ये उन्हें स्लो डाउन कर रहे हैं। तब हेलस्टॉर्म कहता है, हुड, डॉक्टर, मेरे लिए रास्ता बनाओ जेनिफर तक, जो कि अब पोजिस्ट हो चुकी है डोरमामो की वजह से, वो अब रियल खतरा बन चुकी है, और ये मत भूलो कि मैं एक ट्रेंड एग्जॉर्सिस्ट हूँ। हम देखते हैं जेनिफर केल को, जिसे डोरमामो ने पजेस कर लिया था, और कह रहा था, मैं सेंस कर रहा हूँ म्यूटेड वायरस इस सिंगल कलेक्टिव सुपर सबकॉन्शियसनेस में, और वो वहाँ से जाते हुए कहता है, जिसे मैं बेंड कर सकता हूँ अपनी विल से, रुको, मैं यहाँ पर दूसरा एक्टिव माइंड सेंस कर रहा हूँ जिसकी एबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, वाह क्या जीनियस माइंड है, और उसकी विल पावर भी बहुत अच्छी है, और अगर उसे मैं अपने नेफारियस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकूँ तो। जेनिफर केल देखती है डेडपूल को, जो कह रहा था, इससे अच्छा कुछ नहीं कि आप अपने फैंटम लिम्स खुजाते रहे, और जब आपके पास चार हो तो बातें कुछ और है। तब उसे देखकर जेनिफर केल कहती है, तुम तो डेडपूल हो, और तुम उनमें से एक हो जिन्होंने मुझ पर अटैक किया था, जिन्होंने मुझे हर्ट किया था, और वो मंत्र पढ़कर कहती है, अब मरो, और अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर वो डेडपूल को मार देती है 7.2 मिनट स्ट्राइक के लिए, जहाँ पर डेडपूल सिमन से कहता है, सिमन, मैंने उसे खो दिया, कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब से हम आर्मर से भागे हैं उसके बाद मुझे डेस्टिनेशन मिल गया, मुझे एक घर मिल गया, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ ढूंढ लिया, उन्होंने मुझे वहाँ पर भी ढूंढ लिया, और अब इस सब से मैं तंग आ चुका हूँ। तब सिमन उसे लेकर समंदर की तरफ जाता है, और तब हम देखते हैं मैन थिंग को दोबारा पैदा होते हुए। वही दूसरी तरफ समंदर के किनारे डेडपूल सिमन से कह रहा था, भागने का क्या फ़ायदा, अगर आप कहीं पर भाग ही ना पाए वो हमें नहीं छोड़ने वाले, वो हमें पकड़ कर रहेंगे और वो हमें लॉक कर एक प्लग कैरियर बनाएंगे, या फिर उससे भी कुछ बुरा कर सकते हैं, और तुम्हें पता है क्या, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि वो हमें पकड़ ले ताकि ये सब खत्म हो सके। 5.5 मिनट्स स्ट्राइक के लिए, यहाँ पर दूसरी तरफ ब्लैक टैलोन के प्लांटेशन में हेलस्टॉर्म नाइट शिफ्ट को जला रहा था, तभी जेनिफर केल उस पर अटैक करती है, जो अब डोरमामो के पोजीशन में थी। तब हेलस्टॉर्म कहता है, दूर हटो सर्वेंट ऑफ गुड से, अपना अनसुनो शापित डोरमामो। तब जेनिफर केल उसके मुंह पर कुछ उगल देती है, जिस पर हेलस्टॉर्म कहता है, नहीं, तुम जेनिफर नहीं हो सकती। तब वो कहती है, हाँ बेवकूफ, मैं जेनिफर हुई ही नहीं। तब डोरमामो एक चाल चलता है और हेलस्टॉर्म की पत्नी पैट्सी का रूप लेके कहता है, हाँ मैं जेनिफर नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ पैट्सी हूँ, और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन एन वक्त पर डॉक्टर मॉर्बियस कहते हैं, हेलस्टॉर्म नहीं, ये मत करो। तब
हेलस्टोम अपने होश में आकर कहता है, नहीं तुमने ऐसी हिम्मत भी कैसे की मेरे पत्नी का रूप लेने की। तब जेनिफर केल कहती है, तुम कमजोर दिल के इंसान हो और तुम खुद अपने इनर नेचर को दूसरों के सामने लेकर आए हो। तब मिचेल मॉर्बियस पर अटैक करते हुए जैक कहता है, तुम मेरे बारे में भूल गए मिचेल। उस पर मॉर्बियस जवाब देता है, जैक ऐसा मत करो, तुम इन्फेक्टेड हो, और उसे दीवार पर पटकता है। तब जैक कहता है, और ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी उस कीमती दवाई ने ये सब खराब कर दिया, उस हद तक जिस हद तक तुम सोच भी नहीं सकते। तब मॉर्बियस कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये करना नहीं चाहता था, मुझे माफ़ कर दो। तब जैक कहता है, मुझे पता है माइकी बॉय, लेकिन मुझे भर्ती करते वक्त तुमने कहा था कि हमारे साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे, तो वो करो, मुझ पर एक फेवर करो अपनी बेजान जिंदगी में, मुझे मार दो। लेकिन मॉर्बियस ऐसा नहीं करता। तब जैक कहता है, तुम सच में एक धब्बा हो, एक ब्लड का प्यासा जानवर अपने इमोशंस दिखा रहा है, तुम एक ढोंगी हो और तुम एक रियल मॉन्स्टर नहीं हो, तो मुझे दिखाने दो कि असली मॉन्स्टर होता क्या है। तब डोरमामू एक और चाल चलता है और हेलस्टॉर्म के कॉन्फिडेंस को कम करने की कोशिश करता है, और इसलिए वो कहता है, जब पैट्सी ने अपनी कलाई काट ली, तुम हेल के लिए भाग गए, जहाँ पर तुम डिमन लॉर्ड्स में से एक बने, है ना डायमंड, लेकिन उन्होंने तुम्हें वहाँ भी रिजेक्ट कर दिया और तुम इसलिए वापस आ गए। तब हेलस्टॉर्म उस पर जवाब देता है, हाँ ये सच है, क्योंकि वो मेरी ह्यूमन साइड से डरते थे, वो मेरी ह्यूमन साइड से नफरत करते थे, वो सोचते थे कि वो मुझे मॉन्स्टर बना देंगे, लेकिन ये बातें तुम जैसे लोग समझ नहीं पाएंगे, हमारे पास गुड साइड और बैड साइड होती ही नहीं, हमारे पास साइड होती है हमारे चूज करने पर, और वो डिपेंड करता है हम पर। तुम सुन रहे हो जेनिफर केल, मैं जानता हूँ तुम्हें यह पता है। तब जेनिफर केल अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे जाने दो, लेकिन डोरमामू अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करता है। तब हेलस्टॉर्म कहता है, तुम कहीं भाग कर नहीं जा सकती जेनिफर, तुम्हें इससे लड़ना होगा, और तुम ये भूल चुकी हो कि हम मिडनाइट सन्स है, हम लाइट को डार्कनेस तक लाते हैं, और हम इसी में माहिर है। और हेलस्टॉर्म डोरमामू के पोजीशन को कम करने के लिए उसके मुखौटे को पकड़ लेता है। तब जेनिफर खुद को डोरमामू के कब्जे से आज़ाद करती है, जिस पर हेलस्टॉर्म कहता है, हाँ हमें इसी की ज़रूरत है, डार्क लॉर्ड और उसके सारे तरीकों से खुद को आज़ाद करने की, उसे रिजेक्ट करने की। तब जेनिफर केल कहती है, तुमने यह कर दिखाया, तुम मुझे वहाँ से वापस लेकर आ गए हॉट स्टफ। तब वो कहता है, नहीं ये मैंने नहीं, ये तुमने किया। तब जेनिफर केल हेलस्टॉर्म के जले हाथ को देखकर कहती है, ये ज़्यादा दर्द तो नहीं कर रहा। तब हेलस्टॉर्म कहता है, नहीं मैं बच जाऊँगा। तब दूसरी तरफ मॉर्बियस जैक से कहता है, जैक तुम्हें पता है, शुक्रिया। तब जैक कहता है, अपना शुक्रिया बचा कर रखो जब तुम टेस्ट करोगे ट्रू और प्योरीफाइंग हंगर। लेकिन उस पर मॉर्बियस जवाब देता है, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, लेकिन साइंस ने लगभग मुझे उन जैसा दिखने में बना दिया है, और मैंने शपथ ली है किसी को हार्म ना करने की, और मैं इसी के साथ जीऊँगा। मॉर्बियस जैक को जेनिफर की तरफ फेंक कर कहता है, जेनिफर मैंने जैक को स्टडी किया है, उसकी बायोकेमिस्ट्री उसके बॉडी के साथ फुल मून में बदलती है, और इस वजह से जैक रसल इन्फेक्टेड हो सकता है। उसके सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए जेनिफर कहती है, लेकिन वेयरवुल्फ नहीं, मैं समझ गई, और वो प्योर मूनलाइट उसके बॉडी पर गिराती है, जिससे वो वेयरवुल्फ में बदल जाता है। तब वो मॉर्बियस को बताती है, डोरमामू ने मैजिकली फ्रोज कर रखा है वायरस क्लाउड को होल्डिंग पैटर्न में टाइनो के ऊपर, लेकिन उसमें किसी तरह का कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस माइंड था डेडपूल का, और अब उसकी बागडोर मेरे हाथ में है, लेकिन मैं उसे हमेशा के लिए ऐसा नहीं रख सकती, हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा वो हायो माइंड, उसी के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल भी किसी अनदर एंटिटी में। तब ब्लैक टेलोन की तरफ देखकर मिचेल मॉर्बियस कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हें एक होस्ट चाहिए। तब मिचेल मॉर्बियस ब्लैक टेलोन को पकड़कर कहता है, और वो होस्ट बनेगा ब्लैक टेलोन, और वो उससे कहता है, हमें तुम्हारे वुडू की ज़रूरत है एटलांटियन मेजरी के साथ। तब ब्लैक टेलोन कहता है, और तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा कुछ करूँगा जो तुम्हारी मदद कर सके। तब मॉर्बियस अपने वैम्पायर दांत दिखाकर उसे डराता है। तब वुडू कहता है, ठीक है मैं करूँगा 3.25 मिनट्स स्ट्राइक के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं वुडू और जेनिफर केल मिलकर उस क्लाउड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और तब वुडू कहता है, ये काम कर गया, हमने उस क्लाउड को कंट्रोल कर लिया।
अब हम उसके डायरेक्ट होस्ट बन चुके हैं। हम देखते हैं उस जॉम्बी को जिसे क्लाउड ने बनाया था सुपर हीरोज के पार्ट लेकर। उसे देखकर जेनिफर केल कहती है, क्लाउड को पता है हम क्या कर रहे हैं, इसलिए उसने इस क्रीचर को भेजा है हमें रोकने के लिए, और वो जैक और मॉर्बियस पर हमला कर देता है। जेनिफर केल आगे कहती है, डॉक्टर इसे हमसे दूर रखिए जब तक ये काम खत्म ना हो जाए, सिर्फ कुछ पलों के लिए। तब हम देखते हैं मैन थिंग को, जिस पर मिचेल मॉर्बियस कहता है, मैन थिंग तुम जिंदा हो, और हो भी क्यों ना, तुम एक प्राचीन क्रीचर से बने हो जो सार है लाइफ का। और उस क्रीचर से कहता है, देखो प्लग, जॉम्बी या क्लाउड जो भी तुम हो, तुम हमारे बारे में यानी लाइफ के बारे में एक बात जान लो कि तुम भले ही हिंसक और निर्दयी हो, लेकिन हम तुमसे लड़ना बंद नहीं करेंगे, हम गिव अप नहीं करने वाले, और ये चीज तुम्हें डराती है, तुम्हें इसे डरना भी चाहिए। तब मिचेल मॉर्बियस आगे कहता है कि जो डर जानते हैं वो जल जाते हैं मैन थिंग के टच से, और मैन थिंग अपना बर्निंग टच इस्तेमाल करके उस जॉम्बी को मार देता है। 0.11 सेकेंड्स स्ट्राइक के लिए, जहाँ पर ब्लैक टैलन कहता है, हमें अब भी एक एम्प्टी वेसल चाहिए वायरस माइंड कंटेन करने के लिए, और तुम खुदों ने मेरे सभी जॉम्बीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी आता है सीमन गार्थ, जिसे देखकर जेनिफर केल कहती है, लेकिन वो अब भी ऐसा कर सकता है। 0.0 सेकेंड स्ट्राइक के लिए, जहाँ पर ब्लैक टैलन वो वायरस माइंड सीमन गार्थ में कंटेन कर देता है, और वहाँ दूसरी तरफ आर्मर में अपने दूसरे फॉर्म में जाकर मिचेल मॉर्बियस कहता है, लॉन्च अबॉर्ट कर दो, माफ करना डायरेक्टर, लेकिन हमने वायरस कंटेन कर लिया है और जेनिफर ने मुझे एक नया फायदेमंद तरीका सिखाया है। तब ब्लैक टैलेंट कहता है, मॉन्स्टर स्क्वाड तुम लोगों ने हमें बचाकर मुझे और नाइट शिफ्ट को सॉलिड बना दिया है, और ऐसा लगता है मुझे अपना मोजो वापस मिल चुका है, और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तब उसे देखकर जेनिफर केल कहती है, वो क्रिमिनल्स है, हमें उन्हें रोकना चाहिए या फिर मारना चाहिए, है ना, या फिर नहीं। तब मॉर्बियस कहता है, नहीं ये हमारा काम नहीं है, डायरेक्टर लिटर्स का मुझ पर भरोसा करते हैं और वो चाहते हैं मिडनाइट सन्स को मैं लीड करूँ, वहाँ बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है और हमने खुद को एक बहुत अच्छा हंटर प्रूव कर दिया है। हॉलो में स्पेस लिमिटेड है, इसलिए हमें इन्हें कंटेन करने के लिए कंटेनमेंट फैसिलिटी चाहिए स्पेशल मिस्टर गार्थ के लिए, हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बिना री रिलीज किए जॉम्बी प्लग को, और उन्होंने जॉम्बी डेडपूल को भी मार दिया है, तो वो एक सोल कैरियर है, लेकिन वो उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, उन्होंने ऐसा कैसे किया। तब हम देखते हैं जॉम्बी डेडपूल का सर एक नाव में से जा रहा था, जहाँ पर वो कह रहा था, थैंक्स, जहाँ भी तुम हो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो।